क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कुरान करीम जो हम रोज़ाना क़ियामलैल सलातु तरावी या तहज्जुद में सुनते हैं गौर भी करें कि उसमें क्या हुक्म दिया जा रहा है उसमें क्या इरशादाते बारी ताला हैं क्योंकि कुरान करीम किताब हिदायत है हिदायत नामे को समझे बगैर हम कुरान करीम से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जो कि एक मुसलमान से मतलूब है कि कुरान करीम को समझें उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करें चौथे पारे में शुरू में अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की बात बताई गई जो तीसरे पारे का भी एक हिस्सा है इफ़ाक़ फ़ी सबी हमने गुज्तर भी बताया कि इन्फाक़ दरअसल नफाक का इलाज है कि अगर अल्लाह ताला के रास्ते में आदमी खर्च करेगा तो दिल में माल की जो मोहब्बत बस जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और अल्लाह ताला के पास दर्जात की बुलंदी वही आदमी पा सकता है जो अल्लाह की दी हुई दौलत अल्लाह के रास्ते में खुश दिली के साथ खर्च करे लंद्र हत्फिको म तो हिब्बून कि तुम दर्जात की बुलंदी उसी वक्त पा सकते हो जबकि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और खर्च करने वालों की फजीलत के बारे में बताया गया कि तुम एक दाना अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे अल्लाह ताला सात सौ गुना वापस करेगा और अगर नीयत और अखलास बेहतर हो तो अल्लाह के खजानों में तो कोई कमी नहीं है वो इससे भी ज्यादा देगा बगैर किसी हिसाब के खर्च करने के मुख्तलिफ अंदाज उसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं तो इनमें एक तो यह है कि खर्च करने का फ़ायदा गोया ये इन्वेस्टमेंट है ऐसी सरमायाकारी है जिसमें कोई घाटा नहीं जिसमें कोई नुकसान नहीं कि अल्लाह के रास्ते में जितना ख़र्च करेंगे उससे ज़्यादा अल्लाह ताला लौटा देगा और ये भी समझना चाहिए कि दी हुई दौलत अल्लाह ही की है और अल्लाह ही के रास्ते में अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला को ये अदाब हमारी बहुत पसंद आएगी वरना वो वैसे भी दौलत वापस ले सकता है जब चाहे और हदीस में आता है कि दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो काबिल रश्क हैं उनमें से एक ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने दौलत दी और वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक सही और मुनासिब जगहों पर दौलत खर्च करता है लेकिन दौलत खर्च करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग भीख मांगने वाले बने तीन में वो लोग जो भीख मांगते हैं पसंद नहीं किया गया बल्कि बाज ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते अल्लाह उनको ज्यादा पसंद फरमाया है और जो लोग बतौर पेशा के भीख मांगने लग जाएं तो ये शरीयत में नापसंदीदा किस्म की चीज है जहां देने वालों के लिए तरगीब दी गई कि तुम जो मांगने वाला आया उसको दिया करो वहीं पर लेने वालों को भी ताकिद की गई कि शदीद और जेन्यन रीजन के बगैर किसी के आगे हाथ मत फैलाओ मांगो मत देने वाले बनो अल्लाह ताला इसी में तुम्हारे लिए खैर बरकत रखेगा फिर देने के बारे में एक और बात भी है कि आप जो पसंदीदा चीज है जो आप खुद अपने लिए पसंद करते हो वो खर्च करें वरना बाज लोगों को देखा गया कि जब दूसरों को देने की जरूरत पेश आए तो वो चीजें देते हैं जो वो खुद कभी अपने लिए इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते नहीं चौथे पारे की पहली आयत कह रही है कि दर्जात की बुलंदी के लिए पसंदीदा महबूब और मरगूब चीज का खर्च करना ये ज्यादा जरूरी है इसीलिए साहबा कराम रिजवान उनका अंदाज देखिए इस आयत के नाजिल होने के बाद वो बैठ कर गौर करते कौन सा बाग़ खेत हमारी कौन सी चीज ज्यादा हमारे लिए महबूब है खर्च करें एक और नुकता खर्च करने के बारे में बताया गया कि एहसान जताने के लिए मत खर्च कीजिए जैसे लोग कहते हैं ना तुम क्या थे गरीब थे फकीर थे कंगाल थे मैंने तुम्हारी फीस दी मैंने कपड़ों का इंतजाम किया मैंने ये चीज अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि आप खर्च करके बर्बाद कर रहे हैं अपनी दौलत के एहसान जता कर खर्च कीजिए भूल जाइए अल्लाह के हिसाब में है और अल्लाह ताला देने वाला है यहाँ पर एक दो और बातें भी खर्च के बारे में एक तो यह है कि खर्च अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए दूसरा ये कि अगर छुपा कर खर्च करें ज्यादा पसंदीदा है मगर कभी हालात ऐसे हों कि आप लोगों के सामने ऐलान करके देते हैं तो भी जायज़ है बशर्ते के आप अल्लाह के लिए वो काम कर रहे हो मिसाल के तौर पर कहीं चंदे का ऐलान हुआ और आप समझते हैं कि अगर मैं ऐलान करूंगा दूसरों के अंदर भी हौसला अफजाई होगी शौक पैदा होगा इस जज्बे से आप नाम बताकर या ऐलान करके देते हैं तो ये जायज़ है क्योंकि आप दूसरों को इसकी तरफ ला रहे हैं और अगर आप समझते हैं कि कहीं रियाकारी है कहीं उसका खतरा है तो फिर आप ऐसे दें कि एक हाथ से अगर दें तो दूसरे हाथ को उसके बारे में पता तक ना चले यानी मतलब यह बिल्कुल खुफिया अंदाज से दे अल्लाह ताला को यह अदा बहुत ज्यादा पसंद है जो आप खुफिया तौर पर खर्च करते हैं फिर हज के बारे में एक बड़ी अहम बात बताई गई एक हज और एक काबतुल्लाह के बारे में आयत 96 सिक्स के अंदर एक बड़ी अहम जो बात बताई गई वो काबतुल्लाह के हवाले से है कहा गया इन्ना आलमीन मुबारक सबसे पहला घर जो रुए जमीन पर आबाद किया गया अल्लाह की इबादत के लिए वो काबतुल्ला है इस आयत से यह मालूम हुआ कि काबतुल्लाह से पहले दुनिया में कोई इबादत के लिए घर नहीं बनाया गया कोई इबादत गाह नहीं थी सबसे पहला जो घर बना वो काबतुल्ला है इसी से ये नुकता भी समझ में आता है सबसे असल अल्लाह ताला की इबादत है अल्लाह की बंदगी अल्लाह ताला की तोहद बाद में पैदा हुआ शिरक आमज का नाम है तोहहीद ये ताला की इबादत और बंदगी करने का नाम है और फिर दूसरी चीज हज के बारे में बताई गई वलबीला के अल्लाह तला के घर का हज तमाम साहिब इस्तेतात मुसलमानों पर फ़र्ज कर दिया गया ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना हर एक के लिए फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तेतात हो और जब हज फर्ज हो जाए तो उसको डिले नहीं करना चाहिए जितना जल्दी आप करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बेहतर है और ज़िंदगी में एक मरतबा ये फ़र्ज है उसके बाद अगर कोई हज करे दोबारा वह नफिल समझा जाएगा उस वक्त आदमी सोच सकता है कि मेरे और क्या क्या काम है जिम्मेदारियां हैं ताकि उसके मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियों का कायन करे फर्ज एक मरतबा है और उसके बाद जो भी हज या उमरा किया जाएगा उसकी हैसियत नफिल की हो जाएगी और जिस पर हज फर्ज हो चुका है उसे डिले ना करे ताखिर ना करे जैसे लोग कहते हैं ना इस साल में बिजनेस बनाऊंगा घर खरीदूंगा फला फला चीज करूंगा बाद में हज करूंगा नहीं मोमिन का अंदाज ये होता है कि वो ये कहे कि मैं इस साल हज पहले कर लूंगा क्योंकि ये फर्ज है और बाकी जिंदगी की जो चीजें हैं वो जिंदगी भर चल सकती है अगर आप इस साल हर्ग ना खरीदे या एक्सटेंड नहीं किया अपने कारोबार को आइंदा साल अगर आप कारोबार में तरक्की दें वसत पैदा करें तो क्या कोई गुना होगा या फर्नीचर इस साल के बजाय आयदा साल तब्दील करें क्या कोई गुना होगा आपके लिए मगर हज फर्ज हो जाए हज किए बगैर मर जाए ऐसा आदमी चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे यानी उसको गोया अल्लाह ताला के हुक्म की कोई पासदारी नहीं फिर उसके बाद एक और अहम नुक्ता बताया गया जो आज की बहुत ज्यादा शदीद और अहम जरूरत है वो आयत एक सौ तीन में उसमें कहा गया कि आपस में इत्तेफाक पैदा करो और इत्तेफाक कैसे होगा इतिहाद कैसे होगा यूनिटी कैसे होगी उसका नुस्खा बताया गया और ये नुस्खे इलाही है अल्लाह की तरफ से दिया जाने वाला नुस्खा है इसके नतीजे में इतिहाद कायम होगा हम सब कहते हैं ना कि इख्तिला हो रहा है झगड़े हो रहे हैं इंतजार हो रहा है तो इत्तेफाक होना चाहिए मगर होगा कैसे कहा गया वा कि वहां तब्लाब्ला को मजबूती से पकड़ो अल्लाह के दीन को कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्शादात इसको मजबूती से थाम लो उसके नतीजे में इत्तेफाक पैदा होगा वरना गिरोहबंदियां पैदा होंगी इंतजार पैदा होगा फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़े खून खराबे की नौबत आएगी तो मैं और आप सभी चाहते हैं कि इतिहाद और इत्तेफाक हो मगर कैसे इत्तेफाक पैदा होगा अगर मैं चाहूं कि मेरी राय पर सारी दुनिया अमल करे क्या ये मुमकिन है या आप ये चाहें कि आपकी राय पर सारी दुनिया आ जाए क्या ये मुमकिन है नहीं मगर हम ये चाहें कि सारी दुनिया कुरान मजीद पर आ जाए सारे मुसलमान कुरान की तालीमात पर अमल करें तब तो ये बात मुमकिन हो सकती है और तफरीक से बचाने का ये एक तरीक़ा है और यहाँ एक नुकता जहन में रखें इख्तलाफ और इंतशार में फ़र्क है इख्तलाफ रिफ्रेंसेस ऑफ ओपिनियन क्या आप कहीं चार आदमी बैठे हुए हैं चारों की राय किसी मसले में मुख्तल हो सकती है मेरी राय या आपकी राय अलग अलग हो सकती है तो ये मजमूम नहीं है ये तो मुमकिन है हर जगह जहाँ इंसान है ये बात होगी मजमूम क्या है कि जब आप इख्तलाफ राय को बर्दाश्त किए बगैर उसे झगड़ा इंतशार और फसाद का रंग दे देंगे क्या आप अपनी राय तो देना चाहते हैं सुनाना चाहते हैं मगर दूसरों को यह मौका देना नहीं चाहते कि उसकी राय भी आप सुने यहां से फिर इंतजार पैदा होगा और ये इंतजार ये बहुत ज्यादा मायूब है यानी इख्तिलाफ राय खत्म नहीं किया जा सकता मगर इंतशार खत्म किया जा सकता है अगर वहां के लोग मुखलिस होकर काम करें साहबा मुख्तलिफ मसाइल में एक से ज्यादा राय हुआ करती थी मगर इसकी वजह से उनमें इंतजार नहीं पैदा होता था वो ऐसे नहीं करते थे ऐसे नहीं किया करते थे फिर उसके बाद एक और बात आयत 104 और फिर इसी तरह से आयत 110 जिस एक जिसमें एक जिक्र किया गया अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के हवाले से खैर की बात करना खैर का प्रचार करना शर और बुराइयों से रोकना ये हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है यानी एक मोमिन का काम यह है कि वो लोगों को खैर की तरफ बुलाए शर से रोके मुन कर के तुम बेहतरीन हो क्यों बेहतरीन है क्या हमारे दो हाथ के बजाय तीन हाथ हैं गैर मुस्लिमों के दो हाथ होते हैं इसलिए हम बेहतर हैं या हमारे तीन पाँव है उनके दो पाँव होते हैं नहीं तुम बेहतरीन हो इसलिए कि तुम अमर बिल बिलमारूफ लोगों को खैर की बात बताते हो और मुनकरात रोकते हो मारूफ को आम करना और मुनकराद से रोकना यह हमारी जिम्मेदारी है हर आदमी की अपनी अपनी ताकत और सलाहियत के मुताबिक वो इसमें हिस्सा ले सकता है कोई ये ना समझे कि यह मौलवी का काम है या खतीब का या इमाम का काम है नहीं दीन हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब का ये काम है एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में या सर्जरी में दीन का काम कर सकता है एक इंजीनियर अपने फील्ड में दीन का काम कर सकता है एक टीचर स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में दीन का काम कर सकता है अगर उसके अंदर ये शौक और जज्बा पैदा हो जाए इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले दीन की बात आम करने में हिस्सा ले सकते हैं उसके मुख्तलिफ अंदाज उसके मुख्तलिफ तरीके हैं मुनकर को रोकने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं जैसे हदीस में कहा गया मन रहा मिनको मुनकरन फल ही के अतबार से आपको फैसला करना चाहिए मसलन ये है कि आप अगर हाथ से रोक सकते हैं रोक दीजिए नहीं जबान से नसीहत कीजिए बुराई के खिलाफ लोगों को बताइए या नहीं तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा समझिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए बुराई के साथ जैसे आप घर में बैठे हुए हैं कोई गलत बात हो जाती है आपका ये घर है उसको फौरी तौर पर रोकिए आप और अगर आप बाहर जाते हैं दुकान वगैरह पर वहाँ वही गलत हरकत हो रही है तो आप वहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पहले वहाँ जबान का इस्तेमाल करेंगे घर में हाथ से रोका और बाहर जबान पहले इस्तेमाल आपने की क्यों इसलिए कि हालात का तकाजा है दूसरों की दुकान पर जाकर आप दस्त दराजी करेंगे तो उससे लड़ाई झगड़ा फितना और फसाद भी पैदा हो सकता है तो हालात की रियायत करते हुए मुनकर के खिलाफ एक्शन लेना ये जरूरी है वरना गलत अंदाज से आप एक्शन लेंगे तो वो खुद बड़े फितने का सबब बन जाएगा और अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा समझें फिर गजब का जिक्र किया गया तभी लायात में गजब ओहद यानी इस्लाम की दूसरी जंग जो मुसलमान और मुश्रिकीन के दरमियान पेश आई सनतीन हिजरी के अंदर ये वाकया पेश आया वो लोग बदर में जो हार गए थे तो उसका इंतकाम लेने के लिए बड़ी तैयारी के साथ मदीन मुनवरा पहुंचे तो उसमें जो जो वाकयात पेश आए बहुत तफसील के साथ इसको बयान किया गया साहबा कराम नबी सल्म की माइत में निकले तकरीबन हज़ार सहाबा मगर अजीब बात है कि उहद पहाड़ के, के करीब पहुँचते पहुँचते बाजो पहुं मुनाफिकीन है जो हाबा के साथ शामिल हो गए तरह तरह के एतराजात और बहाने बनाकर पीछे होते गए क्योंकि जिनके दिलों में ईमान था वो तो समझ रहे थे कि अगर हम शहीद हो गए फिर भी हमें अजरों सवाब गाज़ी बनकर वापस आए फिर भी अजर जो मुनाफिक थे जिनके दिलों में ईमान नहीं था वो ये समझते थे कि अगर कामयाब हो गए फिर तो फायदा होगा नाकाम हो गए तो मारे गए अल्लाह के साथ अजर वेने का तो दिल में यकीन नहीं था इसलिए वह आहिस्ता आहिस्ता वापस होते गए हत्या के तकरीबन तीन सौ के करीब लोग वापस हो गए ये मुसलमानों के लिए बड़ा नुकसान का पहलू था कि ऐन मारके से पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग वापस चले जाए इसीलिए कहा जाता है कि इस्लामी सल्तनत को और मुसलमानों को मुनाफिकीन से जितना नुकसान पहुंचा है शायद दूसरों से वो नुकसान नहीं पहुंचा इसकी एक मिसाल ये भी है इसी तरह से आप देखेंगे कि वहाँ रसूल अक्रम वसल्लम जब अपने मैदान का सारा जायजा लेने के बाद आपने बड़ी गहरी प्लानिंग की और छोटा सा पहाड़ी रास्ता था वहाँ आपने पचास तीर अंदाजों को खड़ा किया ये हिदायत देकर कि जब तक मेरा पैगाम न मिले उस वक्त तक तुम यहीं पर ठहरे रहना यह हिदायत थी नबी सलम की और ये हिदायत थी जो मैदान जंग के कमांडर इन चीफ थे रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन लड़ाई शुरू हुई और पहला जो मरहला हुआ उसमें मुसलमान बड़े कामयाब व कामरान हुए और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब साहबा क़िराम बैठ गए तो पहाड़ पर जो दस्ता ठहरा हुआ था उन्होंने सोचा कि अब तो लड़ाई ख़त्म हो गई लिहाजा ये हिदायत थी लड़ाई के दौरान लड़ाई ख़त्म हो गई अब हम भी उतर सकते हैं दूसरों ने कहा कि नहीं नबी सल्ह वसलम ने ताक़ फरमाई है कि यहां से हिलना नहीं है बहुत सारे लोग उतर गए थोड़े से लोग बाकी थे जाते हुए मुश्किन ने देखा कि यहाँ पर वापस हमला करने का चांस मौजूद है तो फिर से अपने बिखरे हुए लोगों को जमा करके रिवर्स आर्डर में उन पर हमला किया गया और ये अनएक्सपेक्टेड किस्म का हमला था मुसलमान ये समझ रहे थे कि शायद लड़ाई खत्म हो गई आराम से वो बैठे हुए थे अचानक जो ये हमला हुआ उसका बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा सत्तर के करीब सहाबाए सहाबा करहीद कर दिए गए सत्तर साहबा करख्मी कर दिए गए और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शख्म आए इस जंग के अंदर बाद सहाबा का ईमान बड़ी जुरत का ईमान था आप देखिए हजरत हमजा रजी अल्लाह रजील किस बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए हजरत मुसब बिन उमर रजी अल्लाह जो मदीने मनवरा पहले मुबलग और दाई के तौर पर रसूल अक्रम सला व्लम ने इन्हें भेजा और नबी के मदीना पहुँचने से पहले नबी सल्ला वसम के ये नुमाइंदे हजरत मुस ने मदीने के घर घर में दीन की दावत पहुंचा दी थी वो भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए और इसी तरह से मुख्तलिफ क़राम अल्लाह ताली उन सब से राजी हो उन सब पर रहमत और अपना करम फरमाए और फिर उसके बाद ये जो लड़ाई हुई बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई यानी पहला राउंड मुसलमान जीते दूसरा राउंड मुशरकिन और फिर उसके बाद वो भागना खुद ही शुरू कर दिए फिर मुसलमान उनके तहकुब में गए आठ मील तक मुसलमानों का काफिला उनके पीछे चलता रहा तो इस तरह से ये लड़ाई ऐसे समझ लीजिए कि जो नतीजा आमतौर पर शिकस्त की शक्ल में आना चाहिए न वो आया न कामयाबी की शक्ल में जो आना चाहिए वो आया लेकिन एक मुसलमानों को अफराद के एबार से बहुत ज्यादा नुकसान इसमें उठाना पड़ा मगर इसका एक बड़ा सबब जो बताया गया महज गलत फहमी से एक नाफरमानी हो गई जिनको जहाँ ठहरा किया गया था उन्होंने ये समझा कि अब लड़ाई खत्म हो गई इस छोटी सी गलत फहमी से इतना बड़ा नुकसान अगर हुआ हमें सोचना चाहिए कि हम कितनी चीजों में नबी वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं तो क्या हमें कोई फायदा पहुंचेगा नबी सल्लम के यहीं पर अखलाक की बहुत ज्यादा तारीफ की गई और मुसलमानों के बारे में बताया गया वला वला तहिनु तहजनु व अंतुम इन कुंतुम मुमिनीन तुम्हें हालात को देख कर रंजीदा मायूस और परेशान नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला कादिरे है हालात को बदलने पर वो कादिर है तुम पुर उम्मीद रहो कोशिश करते जाओ दुआएं करते जाओ कोशिश और दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला की बरकत कभी भी नाजिल हो सकती है मगर ईमान ये बुनियादी शर्त है बगैर ईमान के हम चाहते हैं कि वैसे ही अल्लाह ताला की मदद आ जाए ऐसे नहीं आएगी फिर इसी तरह रसूल अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक और अहम बात बताई गई कि नबी करीम वसल्लम की जो जिम्मेदारियां हैं क्या क्या अहम जिम्मेदारियां हैं आयत एक सौ चौसठ में उसका जिक्र किया गया लखतमंद मनीम रसूल के अल्लाह तला का एहसान है कि उसने तुम्हारे लिए रसूल भेजा क्या जिम्मेदारियां ये आयातीम वीमुलताब वन कबल कुरान करीम की तिलावत ये करके लोगों को सुनाते हैं पहली जिम्मेदारी जैसे हम भी इस मुबारक महीने में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं वैसे भी आम तौर पर करते हैं कुरान पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का शौक होता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला काम था दूसरा तजकिया प्यूरिफिकेशन दिल और दिमाग में जो बुराइयां आ जाती हैं हसद बहज अदावत कीना इन सब से लोगों का तजिया आप फरमाया करते थे इस मुबारक महीने में हमें भी चाहिए कि अपने दिल और दिमाग को बह्ज्ज अदावत कीना इस तरह की चीजों से पाक को साफ करें वरना हमारी इबादत बेमाना होकर रह जाएगी फिर उसके बाद तीसरी जो चीज थी व्यूअलिम किताबल कुरान और हमत की तालीम भी दिया करते थे यानी तिलावत अलग है तालीम अलग है तालीम के लिए अंडरस्टैंडिंग समझना गौर और फिक्र करना यह बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग सिर्फ तिलावत करके बस कर देते हैं वो भी गलत दूसरा स्टेप भी उठाइए दूसरा कदम भी उठाइए कुरान मजीद को समझिए और जो लोग तिलावत वगैरह तो नहीं सिर्फ जो है कुरान करीम की तालीमत पर ही बात करते हैं उनको भी चाहिए कि पहला कदम भी उठाएं तिलावत भी कीजिए उसकी तालीमात को समझिए भी और उस पर गौर और फिक्र के बाद अमल भी कीजिए क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे ही काम किया करते थे फिर उसके बाद एक और जो चीज़ बताई गई वो है जिक्र और अस्कार के बारे में सूरह आले इमरान का आखिरी हिस्सा कि अल्लाह ताला को अपने वो बंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं जो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा जिक्र और अस्कार करते हैं चलते हुए बैठ कर लेट कर हर तरह से क्योंकि जो अल्लाह को याद करेगा अल्लाह का वादा है कि अल्लाह भी उनको याद रखेगा अल्लाह भूलता नहीं है मगर याद रखने का मतलब है अल्लाह ताला अपने और करम के लिए याद रखेगा अल्लाह हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए और हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है और भी हदीस की मुख्तलिफ किताबों में इसका नकल किया गया सात किस्म के लोग जिनके साथ क़यामत के दिन खुसूसी मुआमला किया जाएगा सब क़यामत के दिन प्रोटोकॉल उनको दिया जाएगा सात किस्म के लोगों को उनमें से एक वरजुल वर अल्लाह फफाजत रजुल्लाफाजतना ऐसा आदमी जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया और नदामत के आंसू निकल पड़े तो ये आंसू अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जो तन्हाई में बैठ कर अल्लाह को याद करके उसकी आंखों से आंसू निकले तो उसके लिए ये दर्जात की बुलंदी हैमत के दिन उनका शुमार वी आई के लोगों में किया जाएगा तो ज़िक्र जबान से भी आप कर सकते हैं ज़िक्र अमल के ज़रिए से और ज़िक्र दिल और दिमाग के ज़रिए से जब मैं अल्लाह की तस्वीर बयान करूं, मेरा दिल भी उसकी गवाही दे मेरा अमल भी उसकी गवाही दे वरना मैं जिक्र तो कर रहा हूं, मगर अल्लाह ताला की अमल से नाफरमानी कर रहा हूं, तो ये जिक्र किस किस्म का हुआ सिर्फ तस्वीर पकड़ लेना और बड़े बड़े तस्वीर के मन के रोलते रहना इसका नाम ज़िक्र नहीं है जिक्र के लिए दिल दिमाग और हमारा अमल ये सारी चीज़ों का इश्तराक जरूरी है ताकि हम जबान से जो कहें दिल भी उसको तस्लीम करे और हमारा अमल भी उसी के मुताबिक हो नमाज हो रही है आप बाहर बैठे हुए हैं गप्पे मारते हुए और कह रहे हैं या अल्लाह तेरी बड़ी कुदरत है अल्लाह की तो बड़ी कुदरत है मगर अल्लाह की तरफ से जो निदा आई क्या आप उसको सुन रहे हैं क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं तो इसलिए आदमी को चाहिए कि ये जो जिक्र है उसको भी रोटीन में रखे और अमल भी अपना दुरुस्त करे और इसी तरह से अपने दिल और दिमाग को भी अल्लाह की मोहब्बत से बसाने की कोशिश करे फिर सुरे निसा और सुरे निसा के अंदर देखिए नाम से भी आपको समझना चाहिए कि कुरान करीम की ये कितनी अजीम सूरत है जो ख़वातीन के नाम पर नाजिल की गई खवातीन का नाम उसके अंदर उनके हुकूक बताए गए उसके अंदर उनके हवाले से मुख्तल चीज़ें बताई गई उसमें पहली चीज तो यह बताई गई वह लदी तसा वल अरहाम रिश्ते नाते इनको पहचानो सिले रहमी करो क़ियामत के दिन इन रिश्तों के बारे में तुमसे पूछा जाने वाला है और रसूल अक्रम की जो इब्तदाई तालीमात हैं उनमें से ये बुनियादी तालीम है याम तहम तदखुलुल जन्नत बिसलाम कि लोगों तुम जो है सलाम को आम करो तुम लोगों को खाना खिलाओ सिले रहमी करो रिश्तेदारों के हकूक को पहचानो ये नहीं है कि जो सलाम करे आप भी उसको सलाम करें कटने वालों से जुड़िए ना मिलने वालों से मिलने की कोशिश कीजिए और उस वक्त नमाज पढ़िए जब लोग सो रहे हों तु यह अदा इतनी पसंद आएगी कि उसकी वजह से अल्लाह ताला उन लोगों को इतमिन के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और सुर निसा के अंदर मुख्तलिफ जो अहम बातें तकसीम विरासत का मसला है फिर इसी तरह से हराम और हलाल के जो रिश्ते हैं उनका भी जिक्र किया गया जो इन के प्रोग्राम में उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पर हम सबको अमल करने की तोफ़ी खतः फरमाए वालकम वरहल वर्काता